रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, या रिएक्शन ऑफ CO प्लस HCl। तो हम देख रहे हैं कि ये जो CO कार्बोनिल ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है, पोलर ग्रुप है। और पोलर ग्रुप होने की वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूवर्ड्स ऑक्सीजन मूव करेंगे, और इसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। HCl में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ था, वहाँ पर साइनाइड या न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहाँ अटैक करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे CN ग्रुप, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन पर CN ग्रुप जुड़ चुका है, ये CN ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ चुका है। इधर ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज था, तो वहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के पॉजिटिव पार्ट ने या प्रोटॉन ने अटैक किया, और वो OH में, जो O था सी डबल बॉन्ड का, वो OH में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन हाइड्रोलिसिस पर हमें देता है हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर जो CN ग्रुप था, ये CN ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है किसमें, COOH में, एसिड ग्रुप में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो साइनोहाइड्रिन और फिर उससे हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने का तरीका है कि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन HCl या हाइड्रोजन साइनाइड से करवाई जाए। सेकेंड रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। सोडियम बाईसल्फाइड की को यदि हम देखें तो ये सोडियम और बाईसल्फाइड आयनों से बना हुआ है, यानी कि NaHSO3 ये डिसोसिएट होगा किसमें, सोडियम आयन में और बाईसल्फाइड आयन में। ये सोडियम आयन और बाईसल्फाइड आयन फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन में और सल्फाइड आयन में। ये जो सल्फाइड आयन्स हैं, चूँकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू दी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सल्फाइड आयन उस कार्बन पे अटैक करेंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन पर सल्फाइड ग्रुप ने अटैक किया, तो सी पर क्या हुआ, SO3- जुड़ा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहा। हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में, या ये जो प्रोटॉन्स थे, इन प्रोटॉन्स की उपस्थिति में O- OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, और अल्टीमेटली सोडियम आयनों की उपस्थिति में हमको सोडियम सॉल्ट मिला। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन एल्कोहल्स के साथ। एल्कोहल्स के साथ यदि हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर OH और OR- या एल्कोक्सी ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसे हम कहते हैं हेमीएसिटल, और ये हेमीएसिटल अगेन एल्कोहल्स की उपस्थिति में या एल्कोहल से अभिक्रिया करके एसिटल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमने देखा रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद HCl, सोडियम बाईसल्फाइड एंड एल्कोहल। अगले रिएक्शन हम देखते हैं क्लोरल की रिएक्शन, क्लोरल मीन्स ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं वाटर के साथ में। तो कार्बोनिल ग्रुप पोलर है, ये एरो शो कर रहा है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ज़्यादा विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पार्शियली डेवलप होता है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, वहाँ वाटर मॉलिक्यूल का H या प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन जुड़ेंगे, और ये O जो है, ये OH में C डबल बॉन्ड O जो है, ये OH में यहाँ पर
कन्वर्ट होगा। इसी तरह से ये जो कार्बन है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज आया था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर OH जुड़ चुका है और इस तरह से जो प्रोडक्ट बना ये है क्लोरल हाइड्रेट। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि अधिकतर प्रायः जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन पर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो एल्कोहल्स, डायोल्स या ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि सेम कार्बन पर एक से ज़्यादा यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, बल्कि वाटर के एलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट के केस में ऐसा नहीं है। क्लोरल हाइड्रेट जो है ये स्थायी उत्पाद है और ऐसा इसलिए है, इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के लिए जो हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए वाटर निकलते, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन जो CCl3 ग्रुप है इसकी दोनों क्लोरीन के साथ क्रमशः हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना चुके हैं और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन हाइड्रोजन के या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के या वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हो सकता और ये बना हुआ जो प्रोडक्ट है ये स्थायी या स्टेबल होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है, वही कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो अमोनिया डेरिवेटिव्स के जो नाइट्रोजन एटम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो बेसिक होती है या एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है और ये नाइट्रोजन जा करके उस पॉजिटिव कार्बन पर जुड़ती है और अपने इलेक्ट्रॉन के साथ वहाँ पर बॉन्डिंग करती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंपली हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और C डबल बॉन्ड NZ बना। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से हुई, जो अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जाकर के कार्बन पे अटैक करेगा, तो सी पे हम देख रहे हैं NH2Z रहा और O- एज इट इज़ रहा। प्रोटॉन की प्रेजेंस में ये O- जो है ये OH में कन्वर्ट हुआ। अब यदि यहाँ पे हम देखें इस बने हुए जो स्पीशीज़ है इसमें यदि हम देखें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है सी डबल बॉन्ड NZ। तो ये हमने देखा कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। आगे देखते हैं कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में अभिक्रिया। सबसे पहली है रिएक्शन ऑफ CO प्लस CO विद NH2OH, कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया NH2OH के साथ। NH2OH है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसमें सिंपली वाटर बाहर निकला और C डबल बॉन्ड NOH बना। इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सिम। इसी तरह से CO की रिएक्शन NH2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी ये वाटर मॉलिक्यूल ये H2O बाहर निकला और प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड NNH2। इसका नाम है हाइड्रेजोन। हाइड्रोजन की रिएक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रेजोन। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ NH2NH6H5। बिल्कुल सेम रिएक्शन सभी के साथ होगी, सभी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और C डबल बॉन्ड NNH6H5।